Yes. Scan and share. आपको पता होगा मैडम दिस योर बेस पे ये जो है तो आवर जीएमसी इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब इन डिजिटल दिस जैसे आप जानते हैं कि आज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम को लॉन्च किया पूरे मुल्क में, अभी क्या है आयुष्मान भावा के नाम से है। तो इससे पहले, इस स्कीम पे आने से पहले मैं आपको बता दूं, जो कि मैंने अभी यहाँ देखा सारा, कि आम लोगों को जो है सेहत कार्ड से कितना बेनिफिट मिला है, और दूसरा जो कि डिजिटल की तरफ आ रहे हैं कि सारा जो है लोगों को एक फैसिलिटी मिलनी चाहिए, एनरोलमेंट से लेके कंसल्टेशन से लेके ट्रीटमेंट से लेके, ये एक रेवोल्यूशन है हेल्थ सेक्टर में। तो इसके लिए मैं सबसे पहले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मुबारकबाद पेश करती हूँ, और जाहिर सी बात है कि मैं आज यहाँ आई हूँ मेडिकल कॉलेज में, और जिस तरीके का काम मैंने इनका देखा, और इसके लिए मैं डॉक्टर साहिबा को मुबारकबाद पेश करती हूँ, इनकी टीम को मुबारकबाद पेश करती हूँ। और मैंने ये कहा भी और आपके थ्रू मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट के तमाम लोगों को भी कहना चाहती हूँ, और ख़ासतौर पे आप भाइयों को कहना चाहती हूँ, कि जो काम मेडिकल कॉलेज में हो रहा है, हमारे मेडिकल कॉलेज में बारामूला, इन स्पाइट ऑफ जो प्रेशर है फ्रॉम अदर डिस्ट्रिक्ट्स लाइक कुपवाड़ा एंड बांडीपुरा, उसके बावजूद जो काम यहाँ पर हो रहा है उसको जितना अप्रिशिएट किया जाए वो कम है। तो मेरी सबसे पहले आप भाइयों से ये गुजारिश है कि आप देखिए कि इतना प्रेशर होने के बावजूद पेशेंट्स का जो जो यहाँ फैसिलिटीज़ हैं, और जो मैंने देखा कि ये ब्लड के रिलेटेड जो हमारा ब्लड बैंक है, जिस तरीके से देखा कि यूटी में नंबर वन हमारा डिस्ट्रिक्ट बारामूला आया है, या हमारा जीएमसी बारामूला आया है, जिस तरह ये ऑन्कोलॉजी का मुझे इन्होंने बताया है, तो ये सब चीज़ें मैंने आज फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ देखी, और मैं खुद भी अवेयर नहीं इस चीज़ से थी। तो ये ऐसी फैसिलिटीज़ मुझे लगता है कि शायद स्किम्स के बाद जो है हमारे बारामूला में, और ये पिछले एक डेढ़ साल में हुआ है ये जो सब कुछ हुआ है। तो इसके लिए तो जाहिर सी बात मैं इनको मुबारकबाद पेश करती हूँ, लेकिन साथ साथ आम लोगों को मैं ये आपके थ्रू अपील करना चाहती हूँ कि जो आज लॉन्च हुई है स्कीम, ये तमाम ब्लॉक्स पे अवेयरनेस कैंप होंगे, इसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कीजिए। जैसे ये कह रहे हैं कि ये जो लोग आएंगे उनका स्कैनिंग होगा, स्कैन करके ये पता चलेगा, बहुत सारी हमारी ऐसी बहनें हैं जिनको मालूम ही नहीं होता है कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो यहाँ दूर आ नहीं सकती हैं, दूर दराज इलाके की है। तो आज ये कहते हैं, जैसे अभी उन्होंने फरमाया हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने, हेल्थ फॉर ऑल, तो ये एक ऐसा इनिशिएटिव है कि आज जैसे हम कहते थे गवर्नेंस एट फुट स्टेप, यू नो, आपके घर के दरवाजे के पास गवर्नेंस है, और ये एक ऐसा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का कि आप देखेंगे कि जिन डॉक्टर्स के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेके सिटीज़ में आना पड़ता है या कस्बों में आना पड़ता है, आज फार फ्लंग एरियाज़ में जो है ये डॉक्टर्स वहाँ जाएंगे, और वहाँ फ्री ट्रीटमेंट होगा, फ्री मेडिसिन होगा, स्कैनिंग होगा, और पता चल पाएगा कि किसी को क्या प्रॉब्लम है, और फिर एक कार्ड भी बनता है, वो टेक्निकल टर्म्स ये बताएंगी आपको, आभा कार्ड भी बनेगा, जिससे आपका पूरा, जिस तरह आधार कार्ड बनता है इसी के पैटर्न पे बनेगा, और जिससे आपका एक पूरा डिजिटल या इस पे आ जाएगा, यू नो, कॉमन लैंग्वेज में आम लोगों को समझाऊंगी मैं, कि हर एक हॉस्पिटल में आपका पूरा डाटा होगा कि आपके जो है क्या प्रॉब्लम्स हैं आपकी, या आपने कहाँ कंसल्ट किया था लास्ट टाइम। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं उनको इसका एडवांटेज उठाना चाहिए, फ़ायदा उठाना चाहिए। ये कैंप चलते रहेंगे, और मुझे लगता है दिसंबर तक चलते रहेंगे, हम 31 दिसंबर तक चलते रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रजिस्ट्रेशन करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए।